Welcome guys, welcome to Physics Hub. Today in this video we are going to talk about perturbation theory. So this lecture is a part of our course on top 100 most important topics for the upcoming CSR NET exam. So you can also enroll for this course, link is given in the description. Now without any further ado, let's start today's discussion. So in perturbation theory we have decided to take three lectures. Perturbation mein teen lecture lene ke socha hai. Teen lecture kyun? क्योंकि पार्टर्बेशन थियोरी जो है आपका, उसको अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किए करा जाए तो ब्रॉडली इसका दो पार्ट होते हैं. एक तो टाइम इंडिपेंडेंट पार्टर्बेशन थियोरी, दूसरा है टाइम डिपेंडेंट पार्टर्बेशन थियोरी. तो टाइम इंडिपेंडेंट में आपके पास क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट, दो भाग होगा इसका. एक होगा नॉन डिजेनरेट, ये आपका फर्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा. टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट पार्टर्बेशन थ्योरी, ये पहला लेक्चर की कंटेंट होगा. दूसरा का होगा टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेट पार्टर्बेशन थ्योरी, डिजेनरेट पार्टर्बेशन थ्योरी मतलब एक स्टेट के रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट, एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए डिफरेंट आइगन स्टेट्स एग्जिस्ट करता है. टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेट पार्टर्बेशन थ्योरी, ये दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. और थर्डली आपका टाइम डिपेंडेंट पार्टर्बेशन थ्योरी को हम लोग कोशिश करेंगे. टाइम डिपेंडेंट पार्टर्बेशन थ्योरी ये हम लोग थर्ड लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तीनों ही, देखते हैं. तो आज का जो डिस्कशन है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट पार्टर्बेशन थ्योरी, इसको हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करेंगे. अब देखो, व्हाट इज पार्टर्बेशन? पार्टर्बेशन इज लाइक अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. हम लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं तो इसमें कोई स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, जैसे आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स हो गया, इन्फाइनाइट पोटेंशियल हो गया, फाइनाइट पोटेंशियल हो गया, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हो गया. सो ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड पोटेंशियल है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स के लिए आप क्या करते हो, ये जो पोटेंशियल्स हैं इसको आप टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आप इसको फीड करते हो, है ना. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में यू फीड देम माइनस एच कार्ट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर साई, हम ना जस्ट राइटिंग फॉर वन डायमेंशन, प्लस वी ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू ई साई. सो इफ यू पुट दिस वी साई वैल्यू, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू, देन वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन. एंड यू नो द वेव फंक्शन कॉन्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम. तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड हैमिल्टोनियन होता है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जिसको बोलते हैं. अब मान लो इस पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल में अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए तो क्या होगा, हम लोग डिफरेंट अप्रॉक्सीमेट मेथड्स की यूज करते हैं, जिसमें से एक होता है पर्टर्बेशन थ्योरी. हम लोग वेरिएशनल मेथड भी यूज करेंगे, वो एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है जिससे हम लोग एग्जैक्टली जो आपका एनर्जी आइगन वैल्यूज है इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं. अगर आपका पोटेंशियल स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के केस में श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर पुट करो तो आपको एग्जैक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा. ठीक है, अनपर्टर्ब एग्जैक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा. बट जब भी आप किसी पार्टर्बेशन को यूज करते हो या फिर अप्रॉक्सीमेट पोटेंशियल को यूज करते हो तो आपको डिफरेंट मेथड्स की जरूरत होता है. पार्टर्बेशन मेथड इज वन ऑफ द मेथड. वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल मेथड, डब्ल्यू के वी अप्रॉक्सीमेशन, दीज आर ऑल्सो सम अप्रॉक्सीमेट मेथड, विल टॉक अबाउट देम इन ड्यू कोर्सेस. ओके, फॉर द टाइमिंग लेट्स फोकस ऑन पार्टर्बेशन. सो वॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पार्टर्बेशन, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम. ओके, पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में आपका पोटेंशियल कुछ इस टाइप का होता है कि लेट्स से आपके पास एक ऐसा इन्फाइनाइट पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज इन्फाइनाइट बिटवीन सम रेंज बिटवीन 0 to 8. तो इसके लिए आपको जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, एन स्क्वायर
आई स्क्वायर एच का टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर, यहाँ पर अगर एक एम मास का पार्टिकल है तो ठीक है। तो आप देखते हो कि ये जो आपका इसके लिए जो आपका लेट्स से एनर्जी लेवल मिलता है वो आपका ऐसा मिलता है ना, कुछ इस टाइप का आपका पार्ट एनर्जी लेवल्स वगैरह देखने को मिलता है ठीक है। सो एन इक्वल्स टू वन बिठाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय ट्वाइस एम एम स्क्वायर। एन इक्वल्स टू टू बिठाओगे तो आपको फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय ट्वाइस एम एम स्क्वायर मिलेगा। एन इक्वल्स टू थ्री बिठाओगे तो नाइन, एन इक्वल्स टू फोर बिठाओगे एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस राइट। नाउ पार्टर्बेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है लेट्स से वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन योर पार्टिकल इज लाइंग बिटवीन जीरो टू एंड इट इज इन्फिनिटी व्हेन द रेंज इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज बियॉन्ड दिस ओके। अब मान लो हम लोग इसमें एक पार्टर्बेशन ऐड करते हैं, लेट्स से आपका जीरो से लेके ये तक, जीरो से लेके लेट्स से हम लोग एम मास के पार्टिकल को यहाँ लिख देते हैं, जीरो से लेके ये मिड ऑफ द वेल, जीरो से लेके ए बाई टू तक हम लोगों ने एक पार्टर्बेशन ऐड कर दिया है ठीक है। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इसके थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। लेट्स से वी आर एडिंग सम पार्टर्बेशन बिटवीन जीरो टू ए बाई टू और ये जो पोटेंशियल है लेट्स से वी नॉट हाइट का आपका पार्टर्बेशन है, तो क्या होगा आपका जो एनर्जी है ये एनर्जी में चेंज आ जाएगा, द एनर्जी विल बी अनपार्टर्ब्ड पार्ट प्लस द एनर्जी ड्यू टू पार्टर्बेशन ओके। सो हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, देखो डिफरेंट ऑर्डर करेक्शन होगा, आप जितना डिफरेंट ऑर्डर्स लेंगे उतना एग्जैक्ट आपको एनर्जी लेवल मिलेगा। लेट्स से आपका एग्जैक्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे है ठीक है, तो आपका अनपार्टर्ब्ड लेट्स से यहाँ पे है, आप जितना ऑर्डर ऐड करते जाओगे जैसे ई एन वन ऐड किया तो आप एग्जैक्ट के पास जाओगे, ई एन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ऐड किए एग्जैक्ट के और पास जाओगे बट आप एग्जैक्ट पे नहीं पहुंच पाओगे ठीक है ना। यू विल मोर टर्म यू टेक मोर क्लोज यू गेट टू द एग्जैक्ट वैल्यू बट द एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, हम लोग यहाँ से इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड से बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकाल सकते हैं ठीक है। तो जनरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन सेकंड ऑर्डर करेक्शन ही तक ही लिमिट करते हैं एंड जितना आप दूर जाओगे उतना इसका जो मैग्नीट्यूड है मेन कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड एज यू गो ऑन द कंट्रीब्यूशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो अब देखो हम लोगों ने वी नॉट हाइट के एक पार्टर्बेशन यहाँ पर ऐड किया है तो एनर्जी लेवल्स में क्या चेंज आएगा, लेट्स से आफ्टर एडिंग द पार्टर्बेशन योर एनर्जी लेवल ऑब्वियसली इट इज एडिंग सो योर एनर्जी लेवल्स विल गो अप ओके। एनर्जी लेवल विल गो अप, यू कैन सी एनर्जी लेवल इज गोइंग अप, सारे एनर्जी लेवल्स इज गोइंग अप। नाउ इट इज यू कैन सी दिस एडिटिव टर्म, ये जो टर्म होता है कितना आएगा, ये आएगा वी नॉट बाई टू आएगा, ये हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे बाद में, बट इसका वैल्यू जो पार्टर्बेशन जो ऐड होगा वी नॉट बाई टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म हर केस में ऐड होगा। तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म हर एक एनर्जी लेवल पे ऐड हो रहा है इसका मतलब जो गैप है बिटवीन दिस टू लेवल, गैप इज रिमेनिंग सेम बट ईच लेवल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ए हायर एनर्जी वैल्यू, गैप विल रिमेन सेम बट ईच लेवल विल बी शिफ्टेड स्लाइटली, तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्टर्बेशन। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये पार्टर्बेशन क्या चीज़ होता है, पार्टर्बेशन इज लाइक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ओके। अभी हम लोग पार्टर्बेशन थियोरी को डिस्कस करते हैं, सो द फर्स्ट केस विच विल बी टॉकिंग अबाउट इज टाइम इंडिपेंडेंट पार्टर्बेशन थियोरी। मैं लास्ट स्लाइड में आपको बस एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि पार्टर्बेशन होती क्या है, तो नॉन डिजेनरेट केस हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो वन एनर्जी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू वन आइगन फंक्शन डिजेनरेट,
तो इसके ऊपर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नॉन डिजेनरेट से भी, नॉन डिजेनरेट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं गाइस। और जो टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट होगा उससे पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो विदाउट पार्टर्वेशन जो हैमिल्टोनियन हम लोग लिखते हैं, वी कॉल देम अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ओके, विदाउट एनी पार्टर्वेशन, अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। नाउ व्हेन वी ऐड सम पार्टर्वेशन, दिस इज द पार्टर्वेशन, ओके, एच पी इज कॉल्ड द पार्टर्वेशन। देन वी गेट द मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन विच इज द सम ऑफ द अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस द पार्टर्वेशन, ओके, सो दिस एच विल बी कॉल्ड एज पार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। सो पार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हैज़ ए कॉम्पोनेंट अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, एच नॉट प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम डब्ल्यू, लेट्स से जहाँ पे लैम्डा इज मच मच लेस देन वन। तो ये जो पार्टर्वेशन है ये बहुत ही स्मॉल है, दिस कॉम्पोनेंट इज़ वेरी स्मॉल, इट्स नॉट लाइक इट इज़ डेविएटिंग टू मच। ये जो आपका शिफ्टिंग होगा इन एनर्जी दैट विल बी वेरी लेस इन अमाउंट, सो वेरी स्मॉल इफेक्ट दिस पार्टर्वेशन इफेक्ट, वेरी स्मॉल इन्फ्लुएंस। तो अगर आपके पास अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसके लिए आपको जो श्रोडिंगर इक्वेशन मिलता है क्या मिलता है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, है ना, सो दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो लेट्स से द वेव फंक्शन इज फाइ नॉट, सो एच फाइ नॉट, लेट्स से अनपार्टर्ब फॉर अनपार्टर्ब एच नॉट फाइ नॉट, अनपार्टर्ब्ड दिस एनर्जी ई एन जीरो मीन्स जीरो करेक्शन मीन्स द अनपार्टर्ब्ड एनर्जी, ओके, फाइ वन। सो यू कैन सॉल्व फॉर एच नॉट एग्जैक्टली, एच नॉट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली, बट जब आप एच को कंसिडर करोगे तो एच साई विल बी इक्वल्स टू ई साई, ई एन एथ साई, ये कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली, ओके ना, कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली। इसका अर्थ ये है कि एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू साई इक्वल्स टू ई एन, जैसे एनथ स्टेट के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो जो आपका एनर्जी होगा ई एन, ई एन इज़ द पार्टर्ब्ड एनर्जी, दिस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ जीरोथ ऑर्डर कनेक्शन मतलब अनपार्टर्ब्ड पार्ट प्लस फर्स्ट ऑर्डर कनेक्शन ई एन वन। सो ई एन इज द एनर्जी लेवल ऑफ द एनथ लेवल, वन मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फिर इसके बाद आएगा क्या सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एंड सो वन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई एन नॉट प्लस लैम्डा, अच्छा आप इसको लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना, अगर आप लेट्स से यहाँ पे हम लोग लैम्डा लिखा है, लैम्डा ई एन वन, लैम्डा स्क्वायर ई एन टू एंड सो वन। तो अगर आप पूरा अगर लैम्डा डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई करते हो तो लैम्डा मल्टीप्लाई आएगा, अगर पूरा एच पी ही अप्लाई करते हो तब लैम्डा टर्म नहीं आएगा, ठीक है। सो ऐसे करके आप जितना टर्म्स लोगे उतना आप एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ पहुंचोगे। एंड ऑन द अदर हैंड आप जो वेव फंक्शन को लिखोगे एनथ स्टेट का वेव फंक्शन दैट विल बी, आपने देखो यहाँ पे फाई जीरो क्यों लिखा है, ये फाई एन है एनथ स्टेट के लिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये आपका अनपार्टर्ब्ड के लिए हम लोगों ने लिखा था, सो फाई एन हम लोगों ने अनपार्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन अनपार्टर्ब्ड वेव फंक्शन के लिखा था। तो सबसे पहले अनपार्टर्ब्ड वेव फंक्शन होगा फाई एन प्लस लैम्डा टाइम द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन साई एन वन, अब इसको साई एन भी लिख सकते हो वैसे, प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू एंड सो वन।
So this is the second order correction in the wave function, nth wave function, nth level wave function. तो ये होता है आपका ब्रीफली थ्योरी. अब इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है EN1 इसका वैल्यू निकालो, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इसका वैल्यू निकालो और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, ये तीन चीज़ पूछा जाता है, इसके अलावा पूछा नहीं जाता. ठीक है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन नहीं पूछता है, ये तीन चीज़ आपको जानना है. तो आइदर आपको ये करेक्शन के वैल्यू पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि करेक्शन के बाद आपका एनर्जी क्या हो गया. ठीक है, एनर्जी अगर पूछेगा तब आप पार्ट अन पार्ट आउट पार्ट को ऐड करके लिख लोगे, है ना. हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, सो डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली. पार्टर्वेशन थ्योरी इज़ वेरी सिंपल, द थ्योरी पार्ट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट इफ योर कैलकुलेशन इज गुड, यू आर गुड टू गो. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. तो तीन चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन EN1 है उसको कैसे निकालते हैं. सो EN फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द nth एनर्जी लेवल, इट इज़ इक्वल्स टू आपका अनपर्टर्ब्ड जो वेव फंक्शन होगा φn w φn. ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे W लिखते हो तब आप इस एनर्जी को, ये जो आपका एक्चुअल एनर्जी होगा पार्टर्ब्ड एनर्जी, दिस विल बी EN0 प्लस लैम्डा टाइम्स EN1. आप अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को इंक्लूड करके लिखते हो तो आप ऐसा लिखोगे, है ना. अगर आपको आप कुछ ऐसा निकालते हो, लेट्स से इफ़ यू कैलकुलेट EN1 इन दिस वे कि φn W के बदले आप लैम्डा इंटू W दोनों का मिक्स करके अगर निकालते हो तो HP होगा ना. तो बस इस केस में आप सिंपली इसको लिख सकते हो EN, बेसिकली सेम चीज़ ही है, मैं बस आपको डिफरेंस समझाने के लिए बोल रहा हूँ. देखो दोनों एक ही चीज़ है ना, लैम्डा इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, तो जनरली यही वाला यूज होता है. ठीक है, चलो तो ये जो आपने देखा HP, ये क्या है, बेसिकली एक एनर्जी है, है ना. करेक्शन तो एनर्जी आएगा, चलो नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शन करेक्शन. ये क्या होता है, साइ n फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन साइ n 1. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका φn, ये आपका अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है. देखो ये वाला अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, एक काम करो इसको जैसे हम लोग साइ n 0 लिख दो, फिर चलो ठीक है जैसे है वैसे ही रखो. चलो यू अंडरस्टैंड φn इज़ द अनपर्टर्ब्ड, ओके ना. φm w φn डिवाइडेड बाई EN0 माइनस EN0. जीरो सोज दैट अनपर्टर्ब्ड थिंग एंड द वैल्यू ऑफ m will not be equals to n. So the sum is over m, okay? m will change because you are calculating the correction in the nth state. So this summation is taken over m. m can take any value except n. m not equals to n. That is the meaning here, φm. Okay? So I hope you have understood. So agar aap apna wave function likhte ho nth state ka विद द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, φn प्लस लैम्डा, हम लोग W लिए तो लैम्डा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइ n 1. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे HP लिया होता तो ये लैम्डा वाला टर्म नहीं आता, लैम्डा ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता. तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शन करेक्शन
और एक चीज आपको फाइनली याद रखना होगा, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला बस इस टाइप का ही है, ई एन टू दिस इज इक्वल्स टू एम नॉट इक्वल्स टू एन। इसके साथ बहुत सिमिलैरिटी है दोस्तों, फाइ एम डब्लू फाइ एन, ये जो टर्म यहाँ पे था इसका बस मॉड स्क्वायर हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेगी और ये फाइ एम नहीं रहेगा यहाँ पे। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो आपका अगर आप टोटल एनर्जी को लिख रहे हो, इफ़ यू आर राइटिंग द पार्ट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द करेक्शंस अप टू सेकेंड ऑर्डर, तो सबसे पहले आप लिखोगे अनपार्ट ऑफ पार्ट, है ना, प्लस आप ये वाला लिखोगे लैम्डा टाइम्स, आप आइदर यू राइट दिस वन लैम्डा टाइम्स ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ई एन टू, है ना, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो ई एन नॉट प्लस लैम्डा टाइम ई एन वन। सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि फाइ एन एच पी, हम लोग एच पी लिख रहे हैं इसलिए लैम्डा नहीं दे रहे हैं, अगर डब्ल्यू लिखेंगे तो लैम्डा बाहर आएगा, प्लस एम नॉट इक्वल्स टू एन, शायद में आई एम ब्लॉकिंग, फाइ एम एच पी फाइ एन मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एन जीरो माइनस ई एन जीरो। सो आई होप आपको सारे चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये तीन चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लो गाइस। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इफ द पार्टर्बेशन एच प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट इट एडिस टू द इन्फिनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल गिवन बाय दिस, यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल वेल है उसका विड्थ जो है वो पाई है ना, और एच प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स, सो काइंड ऑफ इस टाइप का आपका पार्टर्बेशन ऐड किया गया है। तो ऑब्वियसली द ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी चेंज, यू हैव टू फाइंड दैट करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब ई एन वन आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, लेट्स सेज साई जीरो एक्स रूट ओवर टू बाय विथ, सो टू बाय पाई साइन एन पाई एक्स बाई ए, एन इक्वल्स टू वन एन पाई एक्स बाई ए, ए इज पाई, सो पाई, सो साइन एक्स हो गया, है ना, क्योंकि इसके लिए जो आपका एनर्जी सॉरी आइगन फंक्शन आता है रूट ओवर टू बाई पाई साइन एन पाई एक्स बाई पाई, सो रूट ओवर टू बाई पाई साइन एन एक्स। चलो सो करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, ई एन जीरो, ये क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच काट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर, सो एच काट स्क्वायर बाई टू एम है, और इसके करेक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सो यू नो द फॉर्मूला साई जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट यहाँ पर ग्राउंड स्टेट फंक्शन होगा, सो ये एन नहीं, ये आपका वन होगा क्योंकि एन इक्वल्स टू वन, एन नहीं वन, ग्राउंड स्टेट बोला है, सो एन का वैल्यू वन ले लिया हम लोगों ने, सो साई जीरो एच प्राइम साई जीरो, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। सो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साई जीरो स्टार, सो साई जीरो स्टार साई जीरो, सो टू बाई रूट ओवर टू बाई पाई होल स्क्वायर, सो टू बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स पार्टर्बेशन ए एक्स डी एक्स,
ठीक है। सो आप 2a बाय पाई को बाहर ले लो, 2a बाय पाई इज कमिंग आउटसाइड, 2a बाय पाई 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी एक्स, है ना। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू a बाय पाई 0 टू पाई x dx माइनस 0 टू पाई कॉस 2x dx x। सो पहला टर्म आई थिंक सर्वाइव करेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू रनिंग फ्रॉम 0 टू पाई माइनस, यहाँ पे लीड वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स साइन 2x बाय 2 रनिंग फ्रॉम 0 टू पाई माइनस माइनस 0 टू पाई डी एक्स कॉस का डेरिवेटिव, अच्छा साइन 2x बाय 2 डी एक्स। सो a बाय पाई ये हो गया आपका पाई स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 हो गया, अब ये क्या होगा साइन का प्लस कॉस 2x बाय 2 और वो जो हाफ था, ठीक है। a बाय पाई पाई स्क्वायर बाय 2 कॉस 2x, अच्छा यहाँ पे 0 टू पाई हो ना, कॉस 2 पाई इज 1, तो ये तो 0 हो गया 1 माइनस, हाँ वो तो 0 हो गया, 2 कॉस है क्योंकि 2 पाई के लिए वो प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो गया आपका a पाई बाई 2, है ना। सो द करेक्शन इज a पाई बाई 2, ऑप्शन ए इज मैचिंग। तो अगर आप एनर्जी बोलता तो आप क्या करते, एच का टू स्क्वायर बाई 2m प्लस a पाई बाई 2 कर देते, है ना। एनर्जी आप क्या लिखोगे, E10 प्लस E11, तो आप लिखते एच का टू स्क्वायर बाई 2m प्लस a पाई बाई 2, ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास एम नॉट एंड चार्ज ई ऑसिलेट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, आपके पास एक एक्सिस दे रखा है, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, है ना। सो एनी पर्टिकुलर पॉइंट, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे 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 ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इन अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, दैट इज़ गुड। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, दैट इज एप्सिलॉन अलोंग द एक्स एक्सिस, इवेल्युएट द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इन द एनर्जी स्टेट, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, दोनों करेक्शंस निकालना है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा, सो इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल यू नो द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इट इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब पी और ई का डायरेक्शन सेम है, सो माइनस ई टाइम्स एक्स टाइम्स ई, सो माइनस ई टाइम एप्सिलॉन टाइम्स एक्स, क्यू इंटू डी फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट। सो देयरफॉर द पार्टर्बेशन, आपको एनर्जी निकालना है ना, पार्टर्बेशन, पार्टर्बेशन यहाँ से आपको देखो
डायरेक्ट ही नहीं दे रखा है आपको पार्टर्वेशन, आपको पार्टर्वेशन निकालना होगा. सो एच प्राइम और एच पी वॉट एवर यू राइट, दिस इज योर पार्टर्वेशन. एक्स इज क्वांटम मैकेनिकली वी कैन रिप्रेजेंट एक्स रूट ओवर एच काट बाई मास, पार्टिकल मास इज एम नॉट. सो यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, रूट ओवर एच काट बाई ट्वाइस एम नॉट ओमेगा. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, है ना. हम लोग जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल कंसिडर किए थे तब हम लोग बोले थे कि आप एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे. सो आप इसमें देख सकते हो इट विल गिव यू टू टर्म्स इन द सम एन ए एन एंड एन ए डैगर एन. तो दोनों केस में एक में आपका एक स्टेट कम हो जाएगा सो एन एन माइनस वन आएगा, एक में एन एन प्लस वन आएगा. सो इन बोथ द केसेस इट विल बी ज़ीरो. ओके सो द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगा. अच्छा हम लोगों ने एक ही बार में निकाल दिया है, जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. ठीक है गाइस, खाना आ गया था हम लोग. तो अच्छा यहाँ पे हम लोग अभी एच प्राइम को लिख रहे हैं ना. तो अच्छा इसके ऊपर अप्लाई करने की तो अभी तो ज़रूरत नहीं है. ये हो गया आपका पार्टर्वेशन. अभी पार्टर्वेशन निकल गया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द nth स्टेट आप निकाल सकते हो. सो देयरफॉर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द nth स्टेट, यू नो द फॉर्मूला n एच प्राइम n, है ना. सो दैट इज व्हाई इट विल गिव यू माइनस ई टाइम्स एप्सिलॉन एच काट बाय ट्वाइस एम नॉट ओमेगा n ए प्लस ए डायगर एन. नाउ एज यू कैन सी दिस ए विल रिड्यूस द स्टेट बाई वन यूनिट सो इट विल गिव यू एन एन माइनस वन एंड ए डायगर विल इंक्रीज द स्टेट बाई वन यूनिट सो दैट विल ऑल्सो गिव यू एन एन प्लस वन. सो बोथ द टर्म्स दे आर जीरो. सो द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज जीरो बट जीरो इज देयर इन थ्री ऑप्शन. तो दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन बट यू नो द फॉर्मूला सो देर इज नो इशू अंटिल अनलेस यू नो द फॉर्मूला कैन डू इट. ओके चलो एन ई एन टू इसका फॉर्मूला तो आपको पता है एम नॉट इक्वल्स टू एन एन एच प्राइम एन मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो. आपको अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लिखना है. अब देखो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकता है इस केस में. सो लेट्स गो फॉर दिस टर्म एन एच प्राइम एन, इसका वैल्यू आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे. सो माइनस ई एप्सिलॉन रूट ओवर एच काट बाय ट्वाइस एम नॉट ओमेगा. अब देखो इसमें एन ए प्लस ए डैगर एम है ना, ये यहाँ पे एम होगा ना फॉर्मूला, हम लोग गलत लिख रहे थे. ठीक है सो दिस विल गिव राइज टू टू टर्म्स एच काट बाई ट्वाइस एम नॉट ओमेगा. देखो यहाँ पे आपको दो टर्म्स मिल रहे हैं, वन टर्म इज दिस
अनदर टर्म इज दिस। तो ए डैगर क्या करता है आपका, ए डैगर विल मेक दिस एम टू एम प्लस वन, है ना, एम को एम प्लस वन कर देगा, एंड दिस ए विल मेक एम एम माइनस वन। ठीक है, तो अगर एन का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक हुआ तभी ये नॉन जीरो होगा, अदरवाइज जीरो होगा। हियर एम कैन टेक ऑल इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट एन, है ना, एम नॉट इक्वल्स टू एन बोला है। द नॉन वैनिशिंग एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्ड्स टू एम इज इक्वल्स टू, देखो एम का वैल्यू क्या होने से ये टर्म एन के बराबर हो जाएगा। देखो ए एम को इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो एम को बना देगा एम माइनस वन, है ना। तो अगर एम का वैल्यू एम एन प्लस वन हो गया तो एन प्लस वन तो एक वैल्यू रिड्यूस होकर एन हो जाएगा, है ना। और अगर ये एम को एम प्लस वन बना देगा, तो अगर आप पहले ही एक एन माइनस वन ले लो तब प्लस वन होकर एन हो जाएगा, तब दोनों टर्म सर्वाइव कर जाएगा। तो ये नॉन जीरो टर्म कोरिस्पॉन्ड्स टू एम इक्वल्स टू एन प्लस वन एंड एन एन माइनस वन। सो आपका ई एन टू क्या हो गया, दिस बिकम्स स्क्वायर है तो एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर और रूट ओवर का एच कट बाय ट्वाइस एम ओम नॉट ओमेगा, ये भी रह गया। अब देखो ऊपर से क्या आएगा, यहाँ पे आप एन प्लस वन ले लो, एन प्लस वन तो आपको रूट ओवर एन प्लस वन आएगा, है ना, इसका स्क्वायर है। और नीचे देखो जब एम इज इक्वल्स टू एन प्लस वन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई एन जीरो और ई एन प्लस वन। सो दोनों स्टेट के बीच गैप कितना होता है, आप अगर nth स्टेट लोगे n प्लस वनth स्टेट लोगे, गैप तो h कट ओमेगा ही होता है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली शोइंग हार्मोनिक ऑसिलेटर ना प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग सो इट्स अ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। सो द अनपार्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स आर सेपरेटेड बाय h कट ओमेगा। तो देखो ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, आप एन प्लस वन के रिस्पेक्ट में एनर्जी लिए हो तो इसका और इसके बीच डिफरेंस क्या है, आपने ये वाला माइनस ये किया है तो यहाँ पे यहाँ के माइनस एच का ओमेगा आएगा, है ना। अब सम है मतलब प्लस, अब एन इक्व एम इक्वल्स टू एन माइनस वन लोगे, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए डैगर है तो यहाँ पे रूट ओवर एन आएगा। और ई एन जीरो, ई एन जीरो मीन्स ये एन प्लस हाफ एच कट होगा, एन माइनस वन मतलब ये, सो दिस माइनस दिस, ये पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट इज वाई यहाँ पे प्लस एच कट होगा आएगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, ये प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर समझ गए तो आप बाकी और प्रॉब्लम्स आसान लग जाएगा। इस ई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम नॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा है, एच कट कट गया। सो इफ यू सी द ऑप्शंस इट इज़ लुकिंग एट मैचिंग विथ ऑप्शन बी, सी के साथ मैच कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, लेट्स मूव ऑन। चलो ए कॉन्स्टेंट पार्टर्बेशन एज सोन इन दिस फिगर बिलो एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एंड कॉन्फाइन इनफाइनाइट पोटेंशियल बिटवीन जीरो टू एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का आपका पोटेंशियल दे रखा है, वी नॉट बाई टू, आपका जीरो टू एल बाई टू के बीच वी नॉट बाई टू दे रखा है और एल बाई टू से लेके एल तक आपका
वी नॉट दे रखा है, तो ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं. द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इच. तो इसको कैसे करोगे? सिंपल है, आपको बस करेक्शन निकालना है. सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, सो ई एन वन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी. सो ग्राउंड स्टेट अगर आप ऐसे लिखते हो साई वन, सो साई वन एच पी साई वन है ना. तो आपका जो पार्टर्बेशन है एच पी, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि इट इज वी नॉट बाई टू व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो टू एल बाई टू, एंड इट इज वी नॉट व्हेन एल बाई टू टू एल. ओके, कुछ इस टाइप का आपको ऐसा मान लो, ऐसा करते हैं. तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साई वन क्या होगा? ग्राउंड स्टेट ऑफ फंक्शन अनपार्ट ऑफ साई वन जीरो मान लो, ये तो आपको पता है. रूट ओवर टू बाय विथ, विथ इज एल हियर, साइन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल होता है ना, सो पाई एक्स बाई एल. सो दिस विल बिकम, देखो यहाँ पे जीरो टू एल साई वन जीरो प्राइम एच पी साई वन जीरो डी एक्स. अब यहाँ पे दो रीजियन पे अलग अलग पार्टर्बेशन अप्लाई हो रहा है, तो एक तो जीरो से लेके एल बाई टू के बीच, इसमें एच पी का वैल्यू वी नॉट बाई टू है, ठीक है. सो टू बाई एल साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल वी नॉट बाई टू डी एक्स, और दूसरा आपका एल बाई टू से लेके एल तक अप्लाई हो रहा है टू बाई एल साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल वी नॉट डी एक्स. बस इस दोनों को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट, टू टू कट गया, वी नॉट बाई एल जीरो टू एल बाई टू. देखो टू साइन स्क्वायर, एक टू ऊपर ले लेते हैं, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा है ना, और ये वाला टर्म क्या आएगा? वी नॉट इंटू टू बाई एल बाहर ले लो, यहाँ पे भी सेम कर दो एल बाई टू टू एल, इसको ऐसा कर दो वन बाई टू वन माइनस कॉस टू पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन टू एल डी एक्स, एक्स माइनस साइन टू पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई टू पाई बाई एल लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू एल बाई टू प्लस वी नॉट बाई एल, ये आएगा एक्स माइनस साइन टू पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई टू पाई बाई एल गोज फ्रॉम एल बाई टू टू एल, ठीक है. तो यहाँ से आप अगर करोगे तो ये तो सेकंड टर्म तो जीरो, सो वी नॉट बाई फोर, यहाँ से आएगा वी नॉट बाई टू, ठीक है. तो ये हो गया आपका थ्री वी नॉट बाई फोर, दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी. तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ. तो ये तो हम लोगों ने एक्चुअल कैलकुलेशन करके निकाला है. अब देखो शॉर्ट में भी इसको हम लोग कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन. आपके पास अगर ऐसा इन फ्यूचर आपको
ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया जाए। पार्टिकल इन ए बॉक्स जिसमें आपका पार्टर्बेशन यूज किया हो, तो आप इतना कैलकुलेशन ना करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपका अनपर्टर्ब्ड, लेट्स से अनपर्टर्ब्ड सिनेरियो था। अब इसमें हम लोगों ने पार्टर्बेशन ऐड किया है, लेट्स से वी नॉट बाय टू आपका एल बाय टू तक ऐड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पार्टर्बेशन ऐड है, और फिर एल बाय टू से लेके एल तक यहाँ पे आपका जो वी नॉट ऐड है, तो आपका जो पार्टर करेक्शन आएगा वो क्या होगा, इसका एरिया और इस वाले पार्टर्बेशन के एरिया निकालना है, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट एल इक्वल्स टू वन, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो वी नॉट बाई टू इंटू एल बाई टू, सो वी नॉट बाई फोर इंटू एल, एल इक्वल्स टू वन बिठा दोगे आप लोग, हाँ यहाँ पे एल इक्वल्स टू वन बिठा दोगे। इस वाले रीजन का एरिया कितना है, वी नॉट इंटू एल बाई टू, है ना, सो वी नॉट बाई टू, एल इक्वल्स टू वन बिठा दोगे, तो टोटल एरिया क्या हो गया, वी नॉट बाई फोर प्लस वी नॉट बाई टू, सो थ्री वी नॉट बाई फोर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक से भी आप इस पोटेंशियल के वैल्यू को, सॉरी करेक्शन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इसको तो आप बिना बताए बता सकते हो। आपको याद रखना है जो करेक्शन के टर्म्स हैं वो एडिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। ई एन आपका अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस आप पार्टर्बेशन को याद कर रहे, ऐड कर रहे हैं ना, एंड सो यहाँ पे देखो ये हम लोग बिना करे भी कर सकते हैं। यहाँ पे वी नॉट एल बाई टू, एल बाई टू तक वी नॉट, तो ये वाला पार्टर्बेशन आपको ऐड किया गया है, वी नॉट इज ट्रीटेड एज पार्टर्बेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया क्या है, वी नॉट टाइम्स एल बाई टू, आपको एल इक्वल्स टू वन बिठाना है, तो वी नॉट बाई टू, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो आप बिना बताए निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई वन जीरो, ये क्या होगा, इन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड ट्वाइस एम एल स्क्वायर, ये आपका ई वन जीरो हो गया। तो करेक्शन के बाद क्या होगा, आपका ई वन जीरो प्लस ई वन वन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एड करते, सो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय ट्वाइस एम एल स्क्वायर प्लस द करेक्शन वी हैव कैलकुलेटेड वी नॉट बाय टू, सो ऑप्शन डी इज मैचिंग। और अगर आपको अगर कैलकुलेशन करके निकालना है तो आप क्या करोगे, आपका तो फॉर्मूला पता है, ई वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, है ना। तो आप जीरो टू लेके एल बाई टू तक यहाँ पे एच पी का वैल्यू बिठा देना, और साई वन जीरो क्या हो जाएगा, रूट ओवर टू बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, सो पाई एक्स बाई एल फर्स्ट ऑर्डर सॉरी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बिठा के, तो यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा वी नॉट बाई टू। फिर आप टोटल एनर्जी को ऐसे आप लिख दोगे कि जो आपका ई वन है वो आपका ई वन जीरो तरह अनपार्टर्ब्ड पार्ट प्लस द पार्टर्बेशन, तो आप ऐसे सिंपली पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो इजी वाला हो गया। अब देखो सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी ऐड किया गया है कि द बॉटम ऑफ द इन्फाइनाइट वेल इज चेंज टू हैव दिस शेप वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, सो ये आपका पहले अनपर्टर्ब्ड केस था,
ठीक है, इनफाइनाइट वेल विथ आपका जीरो टू बी दे रखा है लेट से, तो आपको जो पोटेंशियल ऐड किया गया है वो साइनोसॉइडल है। सो कुछ इस टाइप का होगा, है ना, कुछ इस टाइप का पोटेंशियल आपके लिए ऐड किया गया है। तो इस केस में आप क्या करोगे, व्हाट विल बी द एनर्जी शिफ्ट फॉर द ग्राउंड स्ट्रेन इन द फर्स्ट ऑर्डर इन एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑर्डर इन एप्सिलॉन मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। सो फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपका क्या है, यू नीड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अनपार्टर्ब्ड चाहिए आपको, है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए अनपार्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन चाहिए ना। सो लेट्स से दैट इज साई रूट ओवर टू बाई बी साइन पाई एक्स बाई बी हो जाएगा, है ना, लेट्स आप साई वन लिख दो इसको जीरो। तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई एन वन, दिस विल बी साई वन जीरो, ये जो पार्टर्बेशन है लेट्स से एच प्राइम ये हो जाएगा। तो पार्टर्बेशन इस फॉर्म में दे रखा है आपको, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन साई वन जीरो प्राइम एच प्राइम साई वन जीरो डी एक्स, ये तो होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बट आपका जो पार्टर्बेशन है दिट इज वैलिड ओनली बिटवीन जीरो टू बी, सो यू हैव टू राइट जीरो टू बी। अब ये तो साई वन जीरो तो रियल है, तो रूट ओवर टू बाई बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई बी, और एच प्राइम आपका दे रखा है एप्सिलॉन एप्सिलॉन साइन पाई एक्स बाई बी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि सेम टाइप का आपको वेव फंक्शन दे रखा है, तो ये हो गया। अब इस चीज़ को निकालने के लिए आप देखो क्या मिलता है, दिस इज इक्वल्स टू टू एप्सिलॉन बाई बी जीरो टू बी साइन क्यूब पाई एक्स बाई बी डी एक्स। देखो साइन क्यूब से देख के आपको एक फॉर्मूला तो याद आना चाहिए, बचपन में किए थे, साइन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, डू यू रिमेंबर। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा दैट इज वन फोर्थ ऑफ थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इंटीग्रेशन वैल्यू दिस फॉर्मूला एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू टू एप्सिलॉन बाई बी वन बाई फोर जीरो टू बी आपको थ्री साइन थीटा थ्री साइन पाई एक्स बाई बी माइनस साइन थ्री पाई एक्स बाई बी ये निकालना है डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई ये टू बीटा हो गया, थ्री को बाहर ले लो, जीरो टू बी साइन पाई एक्स बाई बी, है ना, मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, माइनस एप्सिलॉन बाई टू बी, यहाँ से बी बाई पाई आ जाएगा कॉस पाई एक्स बाई बी जीरो टू बी, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बाई थ्री पाई कॉस थ्री पाई एक्स बाई बी, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, एप्सिलॉन बाई टू बी, यहाँ पे बी बिठाओगे तो कॉस पाई माइनस वन, सो ये आपका हो गया थ्री बी बाई पाई कॉस जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री बी बाई पाई, ये हो गया कॉस थ्री पाई माइनस वन माइनस बी बाई थ्री पाई माइनस बी बाई थ्री पाई, सो एप्सिलॉन बाई टू बी इंटू, देखो यहाँ पे क्या होगा,
नाइन बी, नाइन बी 18b माइनस 2b 16b/3π, बी बी कट गया 8 एप्सिलन/3π, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 8 एप्सिलन/3π, ऑप्शन सी इज मैचिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स के लिए आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, नो सरप्राइजिंग थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आ गया, बस सिंपल कैलकुलेशन है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी एंड योर न्यूमेरिकल इज स्ट्रॉन्ग, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विथ w, ठीक है, समझ गया। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए पार्टर्बेशन ऑफ द फॉर्म डब्ल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डेल्टा एक्स माइनस ए बाय टू। डेल्टा इज द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। द चेंजेस इन द सेकंड इन द एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा इच, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, हमारे पास पेज है क्या है, तो इसके लिए देखो जो पार्टर्बेशन दे रखा है वो दे रखा है आपको, तो अनपार्टब जो एनर्जी होगा वो क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम ए स्क्वायर, और अनपार्टब वेव फंक्शन क्या है, रूट ओवर टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी ई एन वन है ना, साई एन जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स दे रखा है तो डब्ल्यू लिखते हैं, जो साइन आपका क्वेश्चन में दे रखा है उसी साइन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला है। सो साई एन जीरो, साई एन जीरो से यहाँ से रूट टू बाई ए होल स्क्वायर से टू बाई ए आएगा, जीरो टू ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए, डब्ल्यू के लिए आएगा ए एप्सिलॉन डेल्टा एक्स माइनस ए बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू टू एप्सिलॉन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू, टू एप्सिलॉन साइन स्क्वायर एन पाई बाई टू। सो ये आपका टू एप्सिलॉन हो जाएगा, देखो एन का वैल्यू अगर टू बिठा दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो थ्री बिठाओगे तब ये वन हो जाएगा, तो ये एन इज ऑड, और ये जीरो कब होगा जब एन इज इवन, वैल्यू बूट करके देख लो, अगर टू बिठाओगे तो साइंस कर पाए तो जीरो। तो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, टू ई फॉरवर्ड एंड जीरो फॉर इवन एंड, सो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटिफुल प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन फॉर द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स, मतलब इस टाइप का जो पोटेंशियल है माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल गिवन। अच्छा वेव फंक्शन भी दे रखा है ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, तो पार्टर्बेशन बी एच प्राइम इज अप्लाइड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो इसको कैसे करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एच देखो वेव फंक्शन दे रखा है साई, तो नॉर्मलाइज हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साई स्टार साई इंटीग्रेशन मॉड्यूलस इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू वन। सो फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए टू बी रूट अल्फा है ना, सो दिस विल बी रूट अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। सो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन।
पार्टर्बेशन एच प्राइम इज अप्लाइड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सो दिस इज साई एन एच प्राइम, साई एन एच प्राइम इज वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स। ओके, साई एच प्राइम को वी एक्स टू द पावर फोर, सॉरी पार्टर्बेशन तो यहाँ पे दे रखा है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका अल्फा ई टू द पावर माइनस टू अल्फा मॉड एक्स, एच प्राइम तो बी एक्स टू द पावर फोर है डी एक्स, लिख सकते हैं सब। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो एक काम करते हैं, फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये तो सेम इधर से, इधर से इवन फंक्शन राइट। सो टू टाइम्स आप इसको जीरो टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बी अल्फा को बाहर ले लिया है हम लोग, एक्स टू द पावर फोर और ई टू द पावर माइनस टू अल्फा, मॉड एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाय अल्फा टू द पावर एन प्लस वन, यू नो दिस। सो यू कैन जस्ट सिंपली पुट दिस वैल्यू, टू बी अल्फा एन इज फोर, सो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा इज टू अल्फा, ये है ना टू अल्फा टू द पावर फोर प्लस वन फाइव। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, फोर फैक्टोरियल ए फोर इंटू चौबीस बाई बत्तीस, अड़तालीस बाई बत्तीस, अड़तालीस बाई बत्तीस, सोलह से तीन सोलह अड़तालीस, सोलह दो बिना बत्तीस, बी अल्फा टू द पावर फोर, सो थ्री बी बाई टू अल्फा टू द पावर फोर, ऑप्शन बी इज मैचिंग। तो देख सकते हो आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो आप ये सब प्रॉब्लम को एकदम तुच्छ मानोगे। पार्टर्बेशन थ्योरी का प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है दोस्तों, एंड आई थिंक आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी एज वेल। थ्योरी समझ गए और आपका न्यूमेरिकल अच्छा हुआ तब तो आप फोड़ दो। चलो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, दिस इज गिवन इन दिसंबर 2011। पार्टर्बेशन इज सेम, एच प्राइम इक्वल्स टू बी एक्स टू द पावर फोर, बी इज कॉन्स्टेंट गिवन टू द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। पिछले वाला केस में कहाँ पे दे रखा था, ये डेल्टा फंक्शन दे रखा था, डेल्टा पोटेंशियल पे दे रखा था, अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर पे दे रखा है, बाकी सब चीज़ सेम है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, आपके लिए ग्राउंड स्टेट फंक्शन भी दे रखा है, देखो कितना अच्छा भला मानूस है। मैं आपको बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर जो सॉरी आपका जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको याद रखने के लिए बोला था, तो यहाँ पे अच्छा है कि दे दिया है, नहीं तो आप मेमोरी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलो करते हैं इसको, लेट्स डू दिस। देखो एच प्राइम इज इक्वल्स टू बी एक्स टू द पावर फोर गिवन है, और जो पोटेंशियल है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गिवन। सो करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे आपका एन जीरो से शुरू होता है, आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर से, सो दैट इज आई वी आर राइटिंग ई जीरो, सो साई जीरो एच प्राइम साई जीरो, ए होगा फॉर्मूला। अब जो साई जीरो दे रखा है दैट इज एम ओमेगा बाय पाई एच काट टू द पावर वन बाय फोर ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू एच का, यही दे रखा है ना, लेट्स मैच इट ऑल्सो जी एन, हाँ यही दे रखा है। तो एम ओमेगा बाई पाई एच का टू द पावर वन बाई फोर का स्क्वायर तो वन बाई टू हो जाएगा, और बी तो था, बी को ले लो एक्स टू द पावर फोर ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर होके ये टू चला गया, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो हमारा यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग एक्स टू द पावर फोर है, मतलब एन इज इक्वल्स टू टू बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, और
ए जो है, ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज़ है, एम ओमेगा बाय एच कट है ना, एम ओमेगा बाय एच कट। तो हियर एन इज इक्वल्स टू टू एंड ए इज इक्वल्स टू एम ओमेगा बाई एच कट। यहाँ पे देयर फोर ई जीरो वन इक्वल्स टू, ये जो बी इंटू एम ओमेगा बाई पाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये जैसे दे रखा है इसको रख दो, आपका ए टू द पावर माइनस एन माइनस हाफ, सो ए इज एम ओमेगा बाय एच कट माइनस एन माइनस हाफ, फिर आपका गामा एन प्लस हाफ, गामा एन प्लस हाफ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बी टाइम्स एम ओमेगा बाय पाई एच कट द पावर हाफ, एम ओमेगा बाय एच कट, ये आपका हो गया माइनस फाइव बाई टू, सो यू नो एन प्लस वन, सो फाइव बाई टू, यू नो दिस इज एन गामा एन, ऐसा पता है आपको, सो गामा फाइव बाई टू आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको डिटैच कर पाओगे, है ना। तो वन प्लस समथिंग इक्वल्स टू फाइव बाई टू, सो समथिंग इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू माइनस वन, सो थ्री बाई टू प्लस वन, सो थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू आएगा, फिर थ्री बाई टू देन हाफ गामा हाफ आएगा, गामा हाफ इज रूट पाई, सो ऐसे थ्री बाई फोर रूट पाई ऐसे कुछ आ जाएगा वैल्यू, तो थ्री बाई फोर रूट पाई, रूट पाई रूट पाई कट गया, एम ओमेगा बाई एच कट हाफ माइनस फाइव बाई टू, सो स्क्वायर आ जाएगा है ना, नीचे आएगा, सो बी एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सो थ्री बाई फोर बी एच कट स्क्वायर बाई एम ओमेगा, कौन सा वाला आंसर मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन ए। तो देख सकते हो इसमें प्रॉब्लम्स अगर आप समझ गए तो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम देखने को लगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आता भी है आपके एग्जाम में तो वो जनरली ऐसे हिंट के फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है, अदरवाइज आपको जो इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी वो आपको आता होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है, इसमें द इन्फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ साइज ए इज मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर बिलो, दिस डेल्टा इज मच मच लेस देन ए। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दे रखा है, अगर दोनों का एरिया सेम है तो आपने क्या किया था जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाले थे तो एरिया को सम किए थे, है ना, यहाँ पे एक का एरिया दूसरे के एरिया के नेगेटिव है तो ये वैनिश हो जाएगा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो एनीवेज जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे मेन चीज़ का प्रॉब्लम होगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का। चलो आप बताओ अगर ये मान लो आपका जीरो है, ठीक है, इसका विथ ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बता सकते हो, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये ऑब्वियसली डेल्टा होगा है ना, और ये क्या होगा, ये आपका ए माइनस डेल्टा नहीं होगा है ना। सो लेट अस ट्राई टू राइट द पोटेंशियल फर्स्ट। आपका ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली आपका अनपर्टर्ब्ड जो पोटेंशियल ऐसा था दे रखा था जीरो टू ए के बीच, अब पार्टर्बेशन ऐड करके आपका ऐसा बन गया है, तो आपको क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट पे सारी चीज़ें करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बिफोर द, अच्छा एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का में क्या चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला करेक्शन निकालना है वो बोला नहीं गया है, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय दिस टर्म, सो यू नीड टू कैलकुलेट
फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, सो दैट इज दोज आर द डोमिनेंट टर्म। अब देखो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है अनपार्टर्ब्ड वाला, दैट इज रूट ओवर टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए, नो इशू इन दिस। जो आपका पार्टर्बेशन दे रखा है, पार्टर्बिंग पोटेंशियल गिवन, ये क्या है, लेट्स से आप वी पी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे तीन रीजन है टोटल, जीरो टू डेल्टा के बीच आपका जो पोटेंशियल है वो है माइनस एप्सिलॉन, है ना, और डेल्टा से लेके ए माइनस डेल्टा तक यहाँ पे कितना है, जीरो है, और ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ऐसे आपने पोटेंशियल को लिख दिया। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ई एन वन साई वन बी पी साई वन, है ना, ये आपका पार्टर्बेशन है। सो दिस इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो आपका नॉन जीरो बस यहाँ पे और यहाँ पे है, तो बिटवीन जीरो टू डेल्टा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर टाइम्स माइनस एप्सिलॉन डीएक्स, और ए माइनस डेल्टा टू ए ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि माइनस टू एप्सिलॉन बाई ए जीरो टू डेल्टा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए डी एक्स प्लस टू एप्सिलॉन बाई ए ए माइनस डेल्टा टू ए साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए डी एक्स। अगर आप देखो इसकी वेरिएबल को चेंज कर देते हो, x प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्राइम ले लेते हो, तो ये सेम वाला इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा, है ना। सो इंटीग्रेशन जीरो टू डेल्टा दिस एंड इंटीग्रेशन माइनस ए माइनस डेल्टा टू ए, ये तो सेम होगा। आप ऐसा कर सकते हो, x प्राइम ले लो x प्लस डेल्टा, सो डी एक्स प्राइम विल बी डी एक्स, है ना। तो अगर आप लिमिट बिठाओगे, है ना, तो एक्स प्राइम का लिमिट हो जाएगा आपका जीरो टू ए, या वो तो नेगेटिव साइन, तो इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। व्हाट अबाउट द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, देखो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ई वन टू इसका वैल्यू क्या होगा, आपका साई वन वी पी साई एम, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट पे आपको निकालना है। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई वन जीरो माइनस ई एम जीरो, आपका सम जो है एम को ऊपर होगा, एम कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता, एन का वैल्यू नहीं ले सकता, एम नॉट इक्वल टू एन। अब देखो ये जो मॉड स्क्वायर है, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ई वन जीरो मतलब आपका ये ग्राउंड स्टेट एन इक्वल्स टू वन के लिए जो आता है ई वन, है ना। अब एम मतलब आप एन इक्वल्स टू टू ले सकते हो, थ्री ले सकते हो, बस वन नहीं ले सकते। तो आप इसके ऊपर जितना भी जाओगे उतना एनर्जी बढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सो इसमें क्या क्या वैल्यू आ सकता है, लेट्स से अगर आप एम इज इक्वल्स टू टू लेते हो तो आपका आ गया ई वन माइनस ई टू, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि ई वन की वैल्यू कम है ई टू के मुकाबले। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, अब जो ऊपर आएगा वी पी है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल ई एप्सिलॉन आएगा, सो एप्सिलॉन स्क्वायर, सो इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर, बिकॉज आपका जो ई एम जीरो है दैट इज़ ऑलवेज
greater than E1 0. So E1 0 minus EM0 is less than is negative. So आपका जो ground state, second order correction in ground state, first order correction आपका 0 है, second order correction आपका proportional to negative square. So आपका जो actual energy है, that is sum of the first order correction plus second order correction. So it is proportional to minus E square. So आपने क्या देखा, क्या हुआ होगा, हो गया, कौन सा वाला आंसर सही होगा? Decreases by a term of order epsilon square. Negative है मतलब decrease करें हैं, तो option B के साथ match हुआ. ठीक है, समझ गए? तो बहुत ही अच्छा question था ये. बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, और ये question practice करने से आएगा. ठीक है, चलो next question चलते हैं. बहुत ही अच्छा problem है, थोड़ा सा हम लोग level up कर रहे हैं. वो ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए कॉन्टेंट्स टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एन. अब यहाँ पे देखो, पार्टिकल इन ए बॉक्स किया है आप लोगों ने, तो वहाँ पे बस एक पार्टिकल था. अभी आपके क्या दे रखा है कि आपका वन डायमेंशनल ऐसा बॉक्स है जिसमें आपके पास दो पार्टिकल्स हैं एम मास के. इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द पोटेंशियल ऑफ द टाइप वी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू दिस. What will be the ground state energy to first order in F lambda? देखो, अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो सिंपली आप क्या करते, एक पार्टिकल के लिए जितना एनर्जी है हवा, दूसरे पार्टिकल के जितना एनर्जी, दोनों को ऐड कर देते. दिस इंटरेक्शन इज सर्विंग एज द पर्टर्बेशन that is affecting the energy levels. तो ये जो interaction है, that is the perturbation here. ये आपको value भी दे रखा है integration का, ये आप use कर सकते हो अगर आप चाहो तो. तो x1 x2 this is equals to, आप देख सकते हो lambda time delta x1 minus x2. So obviously इसका value जो होगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अनपर्टर्ब्ड को लिख रहे हैं, जैसे वी जीरो. अगर ये इंट्रैक्शन नहीं होता तो तब आप देखो इसका पोटेंशियल जीरो होगा. है ना, इन्फिनिटी का होगा अदरवाइज. मतलब वेल में पोटेंशियल जीरो होता था अनपर्टर्ब, मान लो इंट्रैक्शन के बिना. तो आपका जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था वो क्या था, माइनस एच काट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स डी एक्स वन स्क्वायर. ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, प्लस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा. है ना, अभी जब इंटरेक्शन हो रहा है तब आपका जो हैमिल्टोनियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम. काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज, यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, जो आपका इंटरेक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है. ठीक है, एनर्जी क्या होगा, अनपार्टब्ड एनर्जी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का टू स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर. है ना, ये अनपार्टब्ड, अनपार्टब्ड वेव फंक्शन क्या होगा, साई एन वन एक्स वन, यह हो जाएगा अनपार्टब्ड वेव फंक्शन टू बाई ए साइन एन वन पाई एक्स वन बाई ए साइन एन टू पाई एक्स टू बाई ए. ये हो जाएगा आपका अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन. अब अगर ग्राउंड स्टेट है तो एन वन एन टू दोनों का वैल्यू वन होगा. है ना, सो आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, अनपर्टर्ब्ड.
पाई स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. सो दिस इज पाई स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर, है ना. और अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, टू बाई ए साइन पाई एक्स वन बाई ए साइन पाई एक्स टू बाई ए, ये हो जाएगा. तो आपका जो करेक्शन है इन द फर्स्ट ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, वन वन एच प्राइम वन वन, है ना. एच प्राइम आपका ये है. ठीक है, चलो. आपने आपका अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो ये सब उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना. अच्छा, ये तो हम लोगों ने पूरा हैमिल्टोनियन लिख दिया है. आपका जो पार्टर्बेशन है, पार्टर्बेशन जो है, अच्छा ये तो एच प्राइम नहीं, ये तो टोटल एच हो गया, है ना. पार्टर्बेशन आपको एच प्राइम लिखना है ना. एच प्राइम इज व्हाट, वी ऑफ एक्स वन एक्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू, लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स वन माइनस एक्स टू. ठीक है, चलो इसको करो. अब बिठा दो वैल्यू, टू बाई ए होल स्क्वायर जीरो टू ए जीरो टू ए. ठीक है, लैम्डा डेल्टा एक्स वन माइनस एक्स टू साइन स्क्वायर पाई एक्स वन बाई ए साइन स्क्वायर पाई एक्स टू बाई ए बी एक्स वन डी एक्स टू. समझ में आ गया, सिंपल. दिस इज इक्वल्स टू फोर लैम्डा बाय ए स्क्वायर जीरो टू ए. देखो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू बिठाओगे तो साइन टू द पावर फोर पाई एक्स वन बाई ए डी एक्स वन ये आ जाएगा. अब इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि थ्री ए बाई एट है. सो यहाँ से आपको मिल गया थ्री लैम्डा बाई टू. ठीक है, थ्री लैम्डा बाई टू ऑप्शन सी. तो देखो रिश्ता वही सोच नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेशन डाल दिया है. ये हम लोग स्टैंडर्ड बुक से ये क्वेश्चन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है. इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पता एज इट इज अगर ये आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो आप डायरेक्ट सी पे टिक कर देना थ्री लैम्डा बाई टू ए. ठीक है, चलो अभी एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं. डिसंबर 2015 में आया था ये. हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू द पार्टर्बेशन एप्सिलॉन कॉस टू बाई ए टू आर बाई ए नॉट द चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू फर्स्ट स्टेट इन एप्सिलॉन इज. तो देखो अभी आप लोग तो समझ गए होंगे कि डीजनरेट केस को कैसे हैंडल करते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, आपको फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना. सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको दे रखा है ऑलरेडी, वन बाय रूट ओवर पाई ए नॉट की बी टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट. हम लोग प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम लोग ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हैं. सो जीरो टू इन्फिनिटी वन बाई ए पाई ए नॉट क्यूब हो गया ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट. वी पी इज गिवन टू यू एप्सिलॉन कॉस टू आर बाई ए नॉट डी टाउ इज फोर पाई
आर स्क्वायर डी आर, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलन डिवाइडेड बाय ए नॉट क्यूब, पाई पाई कट गया, 0 टू इन्फिनिटी इट इज द पावर माइनस 2r बाय ए नॉट कॉस 2r बाय ए नॉट आर स्क्वायर डी आर। अब देखो ये बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2r बाय ए नॉट, कॉस को हम लोग एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ अबाउट 2r बाय ए नॉट आई माइनस आई डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो एक 2 गायब हो गया यहाँ से, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2r बाय ए नॉट कॉमन अगर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस आई और यहाँ पे 1 प्लस आई, ठीक है। अब इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला फॉर्मूला, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, अल्फा वैल्यू इज 2 बाई ए नॉट 1 प्लस 1 माइनस आई, एन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई ए नॉट 1 प्लस आई, यहाँ पे भी 3। देखो अब क्या कट जाएगा, 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2 क्यूब है 8, 4 2 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, पेन इज नॉट राइटिंग, एप्सिलॉन बाय 2, ये आपका 1 बाय 1 माइनस आई क्यूब 1 बाय 1 प्लस आई क्यूब हो गया। अब देखो थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ है, 1 माइनस आई होल स्क्वायर ये क्या होता है, माइनस 2 आई, है ना। सो 1 प्लस आई होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई होल स्क्वायर इज 2 आई। सो जब आपको बहुत बड़ा चीज़ दिखे ना, लगता है कि नहीं होगा मुझसे, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसको छोटा छोटा हिस्से में यू कैन ब्रेक इट अप। सो एप्सिलॉन बाय 2 2 2 2 माइनस प्लस 4 आई, तो 1 बाय 1 प्लस आई माइनस 1 बाय 1 माइनस आई, सो ये आपका 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, एप्सिलॉन बाय 4 आई, ये तो नीचे 2 हो गया, ऊपर हो गया माइनस 2 आई बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 4, दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी, ठीक है। तो यू जस्ट नीड सम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम पार्टर्वेशन थ्योरी इन्वॉल्विंग टाइम इंडिपेंडेंट पार्टर्वेशन थ्योरी। सो आई होप दिस वन लेक्चर हैज़ कवर्ड द टोटल टाइम इंडिपेंडेंट पार्टर्वेशन थ्योरी एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई होप इफ एनी क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन विल बी इजिली एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन। सो दिस वॉज ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स for the upcoming session at exam. So you can also join this course if you have not joined already. Links are given in the description. So this is all for this video guys. Thank you very much. If you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.